हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका और करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है, हमारी मामी जंगल की तरफ गई थी। जंगल की तरफ एक चिड़िया ऊपर से नीचे की तरफ गिरी, ऐसा लगा मामी को कि मर गई है। उसके बाद उसे पानी वानी पिलाया, उसके बाद वो जीवित हो गई, फिर से समझ लो पुनर्जन्म हो गया उसका। तो मामी जी हमारे पास लेके आई और बोला हाथ हाथ आगे करो और आंखें बंद करो। मैंने कहा क्या पता नहीं क्या, मैंने कहा फेंक दूंगी मैं आपकी तरफ। तो उन्होंने कहा कि अरे बंद तो करो, नहीं फेंकोगे। उसके बाद मैंने आंखें खोली तो मेरे हाथ में थी चिड़िया। तो चिड़िया दिखाते हैं, जैसे हाथ में दिया वो वैसे ही उड़ गई। तो कमरे में है और बैठी हुई है बेचारी, वो देखिए, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बस थोड़ी देर के लिए रख रखा है क्योंकि चिड़ियों की भी तो जिंदगी है, जी सकती है अपनी। कृपया हम बता दें आपको, जो भी आपने तोता या कुछ भी पाल रखा है तो कृपया करके आप पिंजरे में कैद ना करें, उनकी इच्छा है उड़ सकती हैं, आजाद है। तो हम थोड़ी देर में आजाद कर देंगे, अभी बैठी हुई है। तो अभी दोस्तों हम कर रहे थे जो हमारी साड़ी है तो ब्लाउज को काट रहे थे कि हम कब से ये धोती पहन पहन के थक गए हैं, तो अब हम दूसरी धोती पहनेंगे, मतलब साड़ी धोती कहती हूँ मैं इससे। तो इसे काटेंगे और उसके बाद ना धोकर आते हैं, फिर पहनते हैं ये न्यू साड़ी। दोस्तों फिर आज हम बना रहे हैं पेंटिंग, जो कि दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए जो आपको ये काना दिख रहा है बढ़िया तरीके से, तो ये काना जी हम बनाएंगे। और ये रहा चार्ट, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं चार्ट रखने की, क्योंकि चार्ट हम किस में रखें। तो ये देखिए मुझे मिला है, ये फ्रिज का है शायद नीचे रखने का, तो फ्रीज को रखने वाला। तो हम रख रहे हैं इसमें चार्ट, इसके अच्छी तरीके से आ जाएगा। आसपास हम थोड़ी खुश रख देंगे फोन आसपास करके, तो ये व्यवस्था कर रहे हैं हम। और मैं अकेली हूँ और मेरा भाई घोड़े बेचकर सो रहा है। तो ट्राइपॉड रखते हैं और कुछ दिखाते हैं अपनी हाथ की कलाकारी। दोस्तों ये हम बना रहे हैं, जो कि ये कान्हा जी हैं, तो ये कान्हा जी हम बना रहे हैं फ्री हैंड स्केच, जो कि मैंने एक बार भी नहीं मिटाया है बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो हमने पेंसिल से ही सेट कर दिया, लेकिन आप पूरा बन जाएगा तब आप कमेंट करके बताना कि कैसा बना है। कर दिया है, ये आप देख सकते हैं मेरा कान्हा। तो कान्हा हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, और वो भी बिल्कुल बिना मिटाए पेंसिल के सहारे। जो भी मैंने डिजाइन करना था इसी से डिजाइन मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। तो बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा हमारा कान्हा जी। तो दोस्तों अब हो गई है शाम, फिर से खाना बनाने के वक्त आ गया। और ये है मेरे पास चाकू, और ये रहा भगोना, और ये रहे पत्ते, जो कि आज हम बनाएंगे पितौला। तो हम पत्ते काट लें, पत्ते काटने के बाद आपको फिर से दिखाते हैं। दोस्तों मैंने ये पत्ते काट लिए, अब इसके बाद धुलूंगी। और अगर आपने ये पितौले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कैसे पितौले बनाते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नीचे बैठ जा, बस बहुत सही।